हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मेरा नाम है शानू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल नॉर्थ राइडर एंड जेडएस रिव्यूज़। आज हमारे सामने भाई बजाज की पल्सर N125 और आज हम करेंगे भाई इसकी एक टेस्ट राइड, छोटी सी टेस्ट राइड करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं। और उस टेस्ट राइड में अपन बताएंगे हम आपको कि इसका भाई कम्फर्ट कैसा है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसे हैं, एक्सेलरेशन कैसा है, ब्रेक कैसा है और सीट जो है वो कम्फर्ट है या नहीं है, राइडिंग पोस्चर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। सो उसके लिए भाई अपन आए हुए हैं, या छोटा सा ये कार्ट बना हुआ है। वैसे तो अपन हम बाहर भी जा सकते हैं, बट अपन क्या है आज इसी कार्ट के अंदर इस बाइक को टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि भाई ये बाइक चलने में कैसी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, उसके बाद बाइक को लेके चलते हैं टेस्ट राइड के लिए। ठीक है भाई, ये लो इधर आ जाता हूँ, एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। ये था इस बाइक का कुछ एग्जॉस्ट नोट। राइड करने से पहले छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में मैं आपको दे देता हूँ। देखो, 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर ओएससी इंजन है इसमें, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है गाइस 12 बीएचपी की। 11 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क है और जो ट्रांसमिशन है वो दिए गए हैं भाई इसमें 5 स्पीड। आगे डिस्क दिया गया है, रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। सो यही कुछ स्पेसिफिकेशन है। और भाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको 198 mm की, सीट हाइट मिल जाती है गाइस आपको 795 mm की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है फुल्ली आपको डिजिटल में देखने को मिल जाएगा। वैसे वॉक अराउंड की वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे। अब चलते हैं गाइस इसकी टेस्ट राइड पे और बताते हैं इस बाइक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं राइडिंग कम्फर्ट कैसा है इस बाइक का। हाँ जी, रियर सस्पेंशन सॉफ्टर साइडर है, फ्रंट सस्पेंशन भी सॉफ्टर साइडर है एंड सीट जो है भाई मीडियम है, ज़्यादा सॉफ्ट सीट नहीं है, हार्ड सीट कह सकते हैं आप इसको, मीडियम सीट बोल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये मैंने इग्निशन लगाया और स्विच किया ऑन, इंजन हो गया स्टार्ट, थ्रॉटल, ये थ्रॉटलिंग है, गियर इंडिकेटर है या नहीं है, गियर इंडिकेटर बाइक के अंदर नहीं है। राइडिंग पोस्चर मेरा काफ़ी कम्फर्ट है, ना ज़्यादा अपराइट है और ना ही ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है, तो हाई बीम है शायद, हाई बीम ऑफ कर देते हैं हाई बीम के लिए, चलो ठीक है। ब्लूटूथ, तो फर्स्ट गियर, गियर इंडिकेशन होना चाहिए बाइक में, गियर इंडिकेटर होना ज़रूरी है, लेकिन 125 सीसी की बाइक है तो यार क्या ही मिलेगा गियर इंडिकेटर इसमें। भाई चलने में तो बाइक काफ़ी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है बाइक तो चलने में। और थर्ड गियर में आई थिंक मैं चल रहा हूँ और ट्रैक पे चल रहा हूँ, और ये सेकंड गियर, बट यहाँ पर ना भाई उतना अच्छे से देखो चेक हो नहीं पाएगा जैसे कि एक रोड पे होता है, उस तरीके से नहीं चेक हो पाएगा। ठीक है ना, बट जितना हो पाएगा उतना अपन करके दिखा देंगे। तो ठीक लग रही है मेरे को तो यार, चलाने में तो ठीक लग रही है, बाकी जब रोड पर आएगी और इसकी टॉप स्पीड वगैरह अपन टेस्ट करेंगे या इसका मतलब जो भी है पोटेंशियल लिमिट वो चेक करेंगे, तब पता लगेगा कि ये बाइक कितने पानी में है। 125 सीसी की बाइक इतनी स्मूथ कैसे हो सकती है यार। बजाज यार क्वालिटी में इम्प्रूव, मतलब इम्प्लीमेंट्स तो कर रहा है, कुल मिला के ये है कि बजाज जो है क्वालिटी में काफ़ी इम्प्लीमेंट्स कर रहा है। तो एक बार थोड़ा सा ब्रेक चेक कर लेते हैं। देखो भाई इसके अंदर तो, इसके अंदर जो है ना ABS सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसमें CBS मान सकते हो आप, या आपको मैनुअल जो है मनोवर करना पड़ेगा ब्रेक को, क्योंकि अगर इसमें आपने सडनली हाई ब्रेक मार दिए तो बाइक जो है स्किड हो जाएगी, और अगर एक बार बाइक स्किड हो गई तो आप नीचे गिर ही जाओगे। ठीक है ना, तो उस चीज़ में ये कि जब आप ब्रेकिंग करो इसमें तो बहुत आराम आराम से आपको ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। देखो इस तरीके से ब्रेक मारो छोड़ो, ब्रेक मारो छोड़ो, ये देखो। ठीक है, तो आपको खुद ही मैनुअल ABS बनाना पड़ेगा, हालांकि CBS में थोड़ा सा होता है ऐसा, बट ठीक है, कुल मिला के ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो बाइक प्राइस के हिसाब से यार वो सब चीज़ें तो नहीं दे पाएंगे ना कंपनी वाले। ठीक है, 97,700 एक्स शोरूम इस बाइक का प्राइस है। ठीक है, तो उसमें ABS भी अगर ठूस दिया तो भाई 1,20,000 रुपये के आसपास इसकी कॉस्टिंग चली जाएगी। चलो अब मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग मैंने आपको चेक करा दी, इंजन का जो एक्सेलरेशन है गाइस वो काफ़ी बढ़िया है। देखो हाई स्पीड में आपको नहीं चेक करा सकता जैसे कि मैंने आपको बताया, सस्पेंशन सॉफ्टर साइडर है, सीट जो है मीडियम है। ज़्यादा लंबी राइड अगर आप करोगे इस पर तो दिक्कत होगी यार, क्योंकि दो चक्कर में मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा सीट जो है हार्ड है, मतलब सीट जो है वो थोड़ी सी हार्ड है पिलियन के लिए भी और तुम्हारा राइडर के लिए भी। सस्पेंशन तो जो है वो तो सॉफ्टर साइड ही है, बाकी इंजन की स्मूथनेस बढ़िया है, ब्रेकिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। ज़िगज़ैग तो खैर मैं चला ही रहा हूँ इस बाइक को, मोनोशॉक रियर में दिया गया है, फ्रंट में भाई टेलीस्कोपिक दिया गया है। 125 सीसी के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया बाइक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यार इसका जो क्लच का फीडबैक है वो कैसा है और थ्रॉटल का जो फीडबैक है वो कैसा है।
ये पहला गियर चलाया मैंने पहले गियर में, सेकंड गियर में लगा दिए। थ्रॉटल रिस्पॉन्स 125 के हिसाब से सही है। लेकिन भाई एक चीज़ मैंने इसके अंदर नोट की, इंजन में जैसे मैं गियर शिफ्टिंग कर रहा हूँ ना, तो गियर शिफ्टिंग जो है बहुत स्मूथली हो रही है और जर्क नहीं आ रहा बिल्कुल भी, जो आना चाहिए ना वो जर्क नहीं आ रहा इसके अंदर, ठीक है। तो गियर शिफ्टिंग मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी इसकी। इंजन भी काफ़ी साइलेंट है, अंडरवेली एग्जॉस्ट है, तो इंजन की जो फीलिंग है वो उतनी आपको फील नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई इंजन जो है स्क्रीमिंग कर रहा है। एंड हैंडल जो है ज़्यादा ब्रॉड नहीं है इस बाइक का, हैंडल काफ़ी नैरो है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा राइडिंग पोस्चर है, ग्लव्स मैंने पहने हुए नहीं है, गर्मी लग रही थी, ठीक है। तो ये आप मेरा राइडिंग पोस्चर है, हैंडल की जो ब्रॉडनेस है वो ज़्यादा नहीं है, कमी है, मतलब नैरो है हैंडल। तो कुल मिला के ये है कि मेरे को जो इसमें प्लस पॉइंट लगा, एक तो राइडिंग पोस्चर का लगा, हैंडलिंग का लगा है, ब्रेकिंग में थोड़ा सा डर लगेगा आपको, सस्पेंशन सही लगा है मेरे को, इंजन की स्मूथनेस सही लगी है। और भाई जो मेरे को इसके अंदर कॉन्स लगे हैं वो ये है कि इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी अपना हार्ड है, उतनी बेटर नहीं है, ठीक है गाइस। और रियर व्यू मिरर की अगर बात करें तो गाइस रियर व्यू मिरर का जो व्यू है काफ़ी ठीक है, काफ़ी ब्रॉड दिखाई दे रहा है, पीछे इतना बुरा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी अगर मैं इसे रोड पे लेके जाऊं, बाहर लेके जाऊं, तो तब मालूम पड़ जाएगा कि भाई इस बाइक में क्या क्या और अच्छाइयां हैं और क्या क्या खामियां हैं। वैसे तो यार देखो, अगर बाइक को आप 5 से 7 किलोमीटर चला लेते हो ना, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि बाइक जो है वो कितने पानी में है। मैंने आपको बता ही दिया है कि मुझे इसके अंदर क्या क्या पसंद आया, ये छोटा सा एक टेस्ट राइड रिव्यू था। बाइक जब शोरूम पर आ जाएगी तब अपन बढ़िया तरीके से बाइक की टेस्ट राइड ले लेंगे। सो गाइस देखो, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग कर लेते हैं, यहाँ पर कच्ची रोड है, बाहर निकाल रहे हैं हम बाइक को, और मेरे पीछे दीपक बैठा हुआ है और पिलियन के साथ में इस बाइक को राइड कर रहा हूँ। तो पिलियन के साथ भाई मेरे को ठीक ठाक कंफर्ट मिल रहा है, मतलब ठीक है, उतना आप नहीं कह सकते, 125 सीसी की बाइक से और क्या उम्मीद लगाओगे यार। चलो गाइस इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।